ड्रग्स दो की जगह लाइक दो, लाइक दो, लाइक दो, लाइक दो, लाइक दो। दिस इज जमरो सिंह ने वॉचिंग जमरो सिंह ब्लॉग्स। फिर से गाड़ी में आपका स्वागत है। इस बार जम्मू में नहीं, इस बार हम पुंछ में हैं। और राइट नाउ इट्स 1:46 इन द आफ्टरनून और हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में जा रहे हैं गाइज। हम पुंछ के जो सबसे माने जाने वाली सिखिज्म की जो प्लेस है वहाँ जा रहे हैं, नंगाली साहिब। आप सब ने सुना होगा जो मस्ट भी अभी देख रहे हैं। और मेरे साथ में जो जनता बैठी हुई है आप ऑलमोस्ट सबको जानते हो, बट फिर भी मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप सबको इनसे। ये है मिस्टर पदमवीर सिंह, आपने मेरी पिछली किसी वीडियो में इनको देखा होगा। बीच में है चैलेंज द चैलेंज गर्ल्स पवलीन और मनविंदर, और साथ में है पवनीत जो मेरी बुआ की बेटी है जिनके घर हम 2-4 दिन से पिछले स्टे कर रहे हैं। तो ये सब हम साथ में जा रहे हैं, मेरे कहा जा रहे हैं तो क्यों ना इन सबको साथ लेके चले। आप सोच रहे होंगे मम्मा को क्यों नहीं लेके आया, मम्मा के साथ मतलब बड़ों के साथ बड़े जाएंगे, छोटों के साथ छोटे जाएंगे। तो हम वहाँ पे आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि मतलब कैसा आपको एक मतलब अच्छे से मैं दर्शन करवाऊंगा प्रॉपरली, और थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वहाँ के बारे में बताऊंगा। क्योंकि बचपन मेरा भी यहीं गुजरा हुआ है, तो वाई नॉट आई शुड टेल यू कि कितनी अच्छी जगह है और क्या क्या यहाँ पे कैसे कैसे है। तो व्यूज़ पहले आपको इन्जॉय करवाएंगे रास्ते के हम, तो उसके बाद जा ले लें पपी। मेरे सामने आप जो देख रहे हो ये कौन सा ग्राउंड है, स्टेडियम भाई, ये पुंछ का स्टेडियम है आप मेरे सामने देख रहे हो। और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ पे पुंछ सिटी में। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर द हैचबैक कार्स, यहाँ पे सेडान काफी कम मिलेंगी आपको, एसयूवी मिल जाएंगी छोटे सेगमेंट की, बट सेडान जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत कम मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे एक तो पार्किंग की दिक्कत रहती है और दूसरा नंबर ये है कि छोटी गाड़ी है और माइलेज वगैरह का जो है सिस्टम अच्छा रहता है। आप बस व्यू एंजॉय करो बाकी छोड़ो। यहाँ पे ओवरटेकिंग करना काफी रिस्की हो जाता है क्योंकि सिंगल रोड है, आप देख सकते हो कि मुश्किल से होए होए नीचे पनिया। तो गाइस यहाँ पे सिंगल रोड है, ओवरटेकिंग करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब अगर आगे से गाड़ी है तो कई बार चांसेस हैं कि आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे। ओवरटेक तो क्या, अब जैसे देख रहे हो आप सामने से जेसीबी आ गई है, मुश्किल से गाड़ी पास होगी, बट ये वर्थ है इस व्यू के लिए, ये सब कुछ वर्थ है। कर्व जैसे आप पास करोगे आपको सामने अगर वो वाइट वाइट दिख रही होगी बिल्डिंग ऊपर रेड बिल्डिंग के साथ, तो वो नंगाली साहब की ही बिल्डिंग है। तभी आप इजीली बहुत ही इजीली देख सकते हो, ये जब आप पुंछ से नंगाली साहब की तरफ जाओगे तो ये ब्रिज आता है यहाँ पे। पहले ब्रिज से पहले जो था ऐसे कच्चा रास्ता था और स्कूटर पे हम जाया करते थे अपने डैड के साथ या चाचू वगैरह के साथ। तो ये ब्रिज बाद में आर्मी वालों ने बनाया, फ्लड आ गया था एक बार यहाँ पे, उसके बाद की बात है। पुंछ जो है ऐसे व्यू से भरा हुआ है, बट यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो मंडी वाली साइड रास्ता आ जाएगा, वहाँ पे भी काफी अच्छा व्यू वगैरह है, बट हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे मिनी कश्मीर। लेफ्ट टर्न लेने के बाद हम यहाँ से सीधा जाएंगे और ये सीधी रोड जाके आपको नंगाली साहब पहुँचाएगी। मैं सभी अपने व्यूअर्स को बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम चांस मिलता है ऐसी जगह पे आने का, अगर आपके पास कभी भी टाइम होता है तो ज़रूर यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। यहाँ पे ऊपर भी पार्किंग कर सकते हो आप सामने, बट आप हम नीचे करेंगे।
आते हैं गाड़ियाँ। तो गाइज अभी मेन बिल्डिंग जो है नंगाली साहब की वो यहाँ पे अंदर है, अभी हम चलेंगे अंदर और दर्शन करेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ का एक व्यू और अच्छे से बता दूंगा क्या क्या करता हूँ मैं। ये है महाराजा रंजीत सिंह की जगह, यहाँ की ब्रीफ हिस्ट्री है। सो गाइज दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग यूजली लोग पहले आया करते थे, और यहाँ से अंदर का व्यू जो है ऐसा है कुछ आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा और पीसफुल व्यू है। दोनों तरफ आप देख सकते हो पहाड़ी पहाड़ है, इस तरफ देख सकते हो आप पूरे पहाड़ी पहाड़ है। बिना टाइम वेस्ट किए चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी चले गए, तो अब मैं जाता हूँ अंदर। यहाँ पे आप ऊपर आए हो और ये देख सकते हो कि ये पंजाबी में लिखा हुआ, पता नहीं आपको सीधा पढ़े जा रहा नहीं जा रहा। ये जो है मतलब कि मेरी दादी जी के जो भाई थे उनके याद में यहाँ पे सेवा वगैरह जब करवाते तो मेरे ख्याल तब कुछ ना कुछ लिखवाते, जैसे यहाँ पे भी लोगों ने लिखवा रखा है। बाकी अब ऊपर आपको भी जो व्यू दिखाने वाला हूँ, निंगाली साहब में जितने भी महंत जी पहले रह चुके हैं, उस जो सेवा स्टार्ट हुई थी उन सब के स्टार्टिंग से, जो यहाँ की जो गद्दी है उसकी जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, उन सब के व्यू बाय व्यू मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, और अभी जिनकी जो गद्दी पे विराजमान है उनका भी लास्ट में दिखाएंगे। तो लेट्स टेक अ लुक। ये हैं महंत श्री पचित्र सिंह जी, जिनका MBS कॉलेज आप जम्मू में इनके नाम से आप देख सकते हो। महंत मंजीत सिंह जी जो अभी भी गद्दी पे विराजमान है। अभी हम जा रहे हैं अंदर दोबारा दर्शन करने संत भाई मेला सिंह जी का, जो रूम था उनका जो प्रॉपर जहाँ पे वो मतलब विराजमान होते थे, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, बड़ी सही चीज़ है, यहाँ पे जो जम्मू से जो संगतें आती हैं और जो लोग आते हैं रहने के लिए उनके लिए ये रूम्स बने हुए हैं, देख सकते हो आप। ये मेरे साथ साथ में जितने भी रूम्स हैं यहाँ पे हम एक्चुअल में रहे हुए हैं आगे जब छोटे छोटे थे। और ये जो आप ऊपर देख सकते हो उनकी सीलिंग जो है वो पुराने डिज़ाइन की है, लकड़ियों के ऊपर मतलब बना हुआ है फ्लोरिंग। और जब हम छोटे छोटे होते थे मेरे को याद है मैं भाग के आगे इसको ऊपर टच करने की कोशिश करता था, और अब मैं ऐसे कर लेता हूँ। उनकी खड़ावे जो मतलब पहन के पहले पहले चप्पलों की जगह खड़ावे होती थी लकड़ी की हैं बनी हुई। पवनीत क्या कहना चाहेगी, हाय करते सबको। ये मेरी छोटी बहन। अभी हम आ चुके हैं अंदर से, अंदर यहाँ ये रास्ता ऊपर जाता है, इसको बुला यहाँ पे चल रहे हैं। ये सीढ़ियाँ पुरानी लकड़ी का सारा फ्रेम और ये ऊपर छत, मतलब देख के हम यहाँ पे जब रहने आते थे ना लकड़ी की सीढ़ियाँ, ये देखो लकड़ी यहाँ पे बहुत अपना बचपन गुजरा हुआ, हर संडे के संडे आते थे। और यूजुअली जब हम जम्मू शिफ्ट हो गए थे, जम्मू शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे ज़रूर आते थे हम। यहाँ पे भी सब रूम्स हैं गाइस, यहाँ पे भी है। पहले मैं एक आपको व्यू ज़रूर दिखाना चाहूँगा मैं। दिस व्यू मैन, लुक एट दिस व्यू। बस ये रहा वो ब्रिज जो अभी हम पार करके आए हैं। यहाँ पे पहले जगह को द्रुंगली बोला करते थे, जहाँ से पानी मतलब होता है, अब तो खैर सूख गया हुआ है। अब हम जाते हैं आपको दिखाते हैं महंत मंजीत जी जो है हमारे मान साहब जी जो यहाँ के हैं उनका रूम, और ऊपर का जो रूम है वो कैसा है। चलते हैं ऊपर, लेट्स गो, आ जा साथ में जल्दी। आज ये रहा उनका रूम, यहाँ पे वो रहते हैं, अभी मेरे ख्याल से लॉकड है, वी नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। और द व्यू हेयर इज simply awesome. टॉप स्टोरी पे हैं, टॉप फ्लोर पे हैं अभी, और यहाँ का व्यू आप मतलब के इमेजिन नहीं कर सकते जो मैं फील कर रहा हूँ अभी।
आओगे यहाँ पे विजिट करोगे तभी पता चलेगा। लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब जो अंदर की शांति है ना वो यहीं मिलेगी, और नेचर और शांति और स्पिरिचुअलिटी का मिक्सचर जो है वो यहाँ मिलेगा। सो गाइज, अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो गुरु गोविंद सिंह जी ने, हमारे जो 10th गुरु हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारे जो मान जी हैं उनको ये सर्वलोक का खंडा बाटा भेजा था, जिसके थ्रू उन्होंने अमृत का प्रचार किया था, क्योंकि हमारा जो अमृत छकाया जाता है खंडे बाटे के अमृत से ही छकाया जाता है, और उनके हाथों का ये एक जो है वो मैं इसके आपको दर्शन करा रहा हूँ। ऊपर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, पूरा डोम स्ट्रक्चर है, अगर कोई इंजीनियर देख रहा है तो उसको पता होगा डोम। ये रहा जैसे गोविंद सिंह जी ने मंत्री को ये दिया, और तीन छोड़ने के पढ़ सकते हो आप हिस्ट्री। नेक्स्ट जो जगह जो हम जाने वाले हैं वो देरी साहब, वो है यहाँ पे नीचे करके है, जहाँ पे जो हमारे मान साहब जी थे वो तपस्या करते थे, उनका जो तप स्थान था वो वहाँ पे था। तो अभी हम वहाँ चलेंगे, यहाँ का तो आप सब ने देख लिया है, और इनको फोटो शूट करवाएंगे, शर्म कर लो थोड़ी। सो गाइस, मैं आपको जैसे बता रहा था कि हमारा बचपन यहाँ गुजरा है, और यहाँ से सारा लकड़ी की सीढ़ियाँ और लकड़ी का सारा स्टाफ है, यहाँ से लंगर है आपको सामने दिखता है, ठक ठक आवाज़ तो आ रही होगी आपको, राइट, वो सब आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ से भी रास्ता है ना, यहाँ अंदर भी रूम है गाइस, मैं अंदर अंधेरा है बिल्कुल कुछ विजिबल नहीं होगा, बट अंदर भी रूम है, दोनों तरफ कॉरिडोर हैं। तो मेरी मासी है जो भी कोई जम्मू से जब आते थे तो हम यहाँ पे, तो वहाँ से एक रास्ता है नीचे जाता है जो बंद हो चुका है, और दिस इज़ द व्यू ऑफ लंगर हाल। यहाँ पे लंगर जो बताया जाता है संगतों के लिए, जो लंगर है वो यहाँ मिलेगा, और ये रास्ता जाता है नीचे देरी साहब जो तप स्थान है वहाँ पे, और अभी हम वहीं जाने वाले हैं। जो क्रॉप्स आप देख रहे हो कॉर्न, ये नंगाली साहब जो है यहाँ पे अपना खुद की जगह है, वहाँ ग्रो होता है, और वहीं से यहाँ यूज़ होता है, इसका आटा बनता है बाकायदा यूज़ होता है। तो चलो चलते हैं सीधा वहीं पे, चलो यार जल्दी लेट हो रहे, जल्दी आओ साजन। सो गाइस, ये बुजुर्ग लोगों के बैठने की जगह बनाई है इन्होंने, ये देखो आप, एक ये बैठी है, एक ये सीढ़ियों में फोन रख के शूटिंग शूट कैसे कर रही है, और दो वो नीचे लगे हुए हैं, शर्म ही नहीं है इनको बिल्कुल के भाई हम। मैं तो अपना लैपटॉप पकड़ के बैठूं। चलो तो चल चल, अल्लाह तुम्हारा गुरुद्वारा है, दिल लाल चलो चलो चलो। तो मेरे पीछे ये पूरा पहाड़ है, मतलब ये लगाओ हिसाब के कितनी पावरफुल जगह है, कि मतलब पहाड़ इतनी अर्थक्वेक्स आए हैं यहाँ पर, इतना सब कुछ आया है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट थिंग्स ये पहाड़ जैसे का है तैसा वैसे ही खड़ा है, बारिश आती है कितना कुछ आता है, रोड्स पे आप देख सकते हो लैंडस्लाइड्स होती हैं कितनी, बट यहाँ का जो स्ट्रक्चर जैसा का तैसा वैसे का वैसे बना रखा हुआ है, और मतलब पूरा आप सोच सकते हो बिटवीन जंगल, मतलब ग्रीनरी के बीच में ये जगह है। अब तो ये काफ़ी जगह डेवलप हो चुकी है, बट जब मान जी यहाँ पे तप करते थे तब ये पूरा एक जैसा काइंड ऑफ जंगल ही होता था, बट अब ये काफ़ी जगह यहाँ बहुत डेवलप हो चुकी है, अच्छी बात है, इसमें बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे भी मंत जी के तप स्थान है ये तीन, आप देख सकते हो। तप स्थान है एक दो और तीन, और जो मेन जो है वो यहाँ नीचे है, वहां भी हम जाएंगे।
काम करवाता है बहुत। ये बैग यहाँ से मैं 180 एंड अबव स्टेयर्स है वो चढ़ के आया हूँ, वो वापस नीचे आया हूँ। तो भाई साहब मैं भी यहाँ से ऊपर गई हूँ। आप तो यहाँ तक गए, मैं ऊपर ऊपर दुकान कर गई है पौड़ियाँ चढ़ चढ़ के। ओ वो दूर से आए हूँ। 198 और 90। कितनी टोटल स्टेयर्स कितनी है ये? 198 और 90। चलते हम गिनेंगे वापस एक बार। हाँ गिनेंगे। ये गुरुद्वारे आके मोबाइल चला, बिहाइंड द सीन गुरुद्वारे आके मोबाइल चला दी। ये भी और ये भी। हाँ और ये लैपटॉप लेके ऊपर से। आपने देख लिया कि यहाँ पे हमने मत्था टेक लिया। ये हमारे ठाकुर पर मेला सिंह जी का स्थान है। अंदर का एक व्यू मैं आपको दे देता हूँ, अगर होपफुली अगर दिख पाएगा आपको। अभी हम जा रहे हैं वापस ऊपर और ये सीढ़ियाँ काउंट करते जाएंगे। ओए तू काउंट करना है पदम कर रहे तो ये लड़कियाँ हमसे पहले काउंट कर। ये देख सकते हो हमसे काफ़ी आगे जा चुकी हैं, अभी इनको हम क्रॉस कर लेंगे। रुको भाई सारे रुकना यार, दौड़ के नहीं तेज दौड़ से पूरी दौड़ सकती। रुक जाओ मैं थक गई यार, आप रेसे लगा लो अपनी। यहाँ तक कितनी हुई थी? 132। यहाँ तक, यहाँ से नीचे, वहाँ से आगे, और वहाँ से नीचे 132 हुए हैं। यहाँ पे ये खड़ा ऊपर 150। अब यहाँ से लास्ट देखते हैं कितनी। वो बहुत ज़्यादा है। आप थक गए यार। इनकी हालत देखो। हम लेट हो चुके हैं। तू तो बड़ी पहले कड़ी पहलवान सी है तू, पहले भी डैडी सी है तू। चलो चलो यार, ये देखो तू रेस लगा रही थी ना, यही होगा। चलो भैया आ जाओ बच्चे, तो कर ही दो। अरे मैं करते हूं आई 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 मुश्किल ही है। अब कल जाऊंगा जी। कितनी होगी? 194 टिल हियर। कितनी? 194। उधर ओए आस्था। 194। हम कोट नहीं करना इस चीज़ पे, हमने अपने दिमाग से 194 स्टेयर्स काउंट करी हैं एक साइड की, और हिसाब लगा लो। अभी हम लंगर हॉल आ चुके हैं, लंगर छक के फिर हम चलेंगे यहाँ से। लंगर हॉल के लिए खाना जो है वो तैयार होता है, यहाँ पे बर्तन साफ किए जाते हैं, नए रूम्स यहाँ बने हैं। ये चाचा जी हैं, इनसे मैं मिलाऊंगा आपको। मतलब कि इनको 100+ इनकी एज है और ये काफ़ी सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पे आके हम इनकी ब्लेसिंग्स हर बार लेते हैं और इस बार भी जरूर लेंगे। तो गाइस ये जो आप रोड देख रहे हो ये नीचे से ये सीधी रोड देरी साहब जाती है, तो आप चाहो तो ऑफ रोडिंग करके नीचे देरी साहब भी जा सकते हो, ये सीधी रोड जाती है। अभी हम पुंछ के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, जो कि मैं रात को आपको व्यू नहीं दे पाया था क्योंकि मैं सीधा बुआ के घर चले गया था, और पुंछ प्रॉपर जो एंट्रेंस है वहाँ पे नहीं कर पाया था। ये जो आप देख रहे हैं गेट, हिस्टोरिकल गेट है पुंछ का, इसको कहते हैं बाग डेडी। वहाँ पे आप एंटर कर चुके हैं पुंछ के अंदर। सो ये बस स्टैंड है, और वो सामने देख सकते हो आप किला है, जो पुंछ का किला, पुंछ का फोर्ट, ये दोनों तरफ बस स्टैंड है।
देख सकते हैं पुंछ का बस स्टैंड। ये आप जो देख रहे हैं फोर्ट है पुंछ का, जो फोर्ट पुंछ का किला जो कह सकते हैं इसको, ये है पुंछ का किला, आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है। थोड़ी सी रेनोवेशन हुई है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जा सकते हैं वैसे क्या? हम अभी भी चल सकते हैं, बैक साइड से निकल के आज ही मार्केट से बाहर। अच्छा, ये मतलब मार्केट में निकलता है रास्ता। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो अभी हम प्लीज कर देना यार, भीख मांगनी होती बोलना होता है। सुनता ही नहीं कोई। तो गाइस, अभी जो मैं आपको बताता हूँ कि आइटनरी थी आज की हमारी निगाली साहब विजिट, वो ऐसा है, अब के बुआ के घर पार्ट था जिनके घर, पवनीत के घर, तो हम वहाँ से होके आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मेरे डैड के जो मामा जी हैं उनके बेटे, यानी कि टेक्निकली मैं रिश्तों में जाऊँगा नहीं आपको ज़्यादा, मेरे जो चाचू ही लगते हैं तो उनकी शादी है। बेसिकली हम इन दो चीज़ों के लिए पूछ आए थे और साथ ही साथ में हमारा एक काइंड ऑफ ट्रिप भी हो गया। तो जब ये दो चीज़ें थी तभी हम आए थे। अब पार्ट का जो फंक्शन है वो ख़त्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं मामा जी के घर, हम मतलब पूरी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे शादी का फंक्शन है, तो थोड़ा बहुत जो आपको शादी के विजुअल्स जो मैं आपको शेयर करूँगा दिखाऊँगा। तो अभी के लिए आज तक यही रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ें आएंगी वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और बाय।